वेलकम टू माय चैनल, मेरे चैनल शिखाज इजी टिप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी के पौधे के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने भी अपने घर पर ये तुलसी का पौधा लगाया है। बहुत ही आसानी से तुलसी का पौधा हम घर पर लगा सकते हैं। दो तरह की तुलसी होती है, राम तुलसी और श्याम तुलसी। आप चाहें तो तुलसी के पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो तुलसी के पौधे को उसकी मंजरी से भी लगा सकते हैं। तुलसी के ऊपर जो छोटे छोटे से मंजरी दिखती है ना दोस्तों, इसमें तुलसी के काले काले बीज होते हैं। यदि इन बीजों को आप मिट्टी में स्प्रिंकल करेंगे तो कुछ ही दिन में तुलसी का जो पौधा है वह बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ठंड का मौसम आते ही हमें तुलसी के पौधे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मैंने भी एक ग्रीन नेट से इसे कवर किया है ताकि ठंड के कारण, कोहरे के कारण तुलसी जो है वो मुरझाने ना पाए, तुलसी ख़राब होने ना पाए। तो आप भी अपने घर पर बहुत आसानी से तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं दोस्तों, और तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। बहुत ही ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसकी पत्तियों को यदि आप चाय में डालेंगे तो सर्दी खांसी और बुखार से हमें राहत मिलती है। छाती में जमा हुआ बलगम भी बाहर निकालती हैं तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ हो, चाहे तुलसी की मंजरी हो, चाहे तुलसी की जड़ हो, सभी की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। और तुलसी जो होती है दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आयुर्वेद में भी तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप अपने घर पर दोनों तरह की तुलसी लगाएं, राम तुलसी और श्याम तुलसी। राम तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल हरे रंग की होती है, और श्याम तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों वह थोड़े से गहरे रंग की होती है। इसीलिए तो इसका नाम है श्याम तुलसी। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ हमारे घर पर इसे लगाने से घर पर लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का वास होता है तुलसी के पौधे में। हम रोज़ तुलसी पर जल चढ़ाते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा आप दिन के समय हो सके तो थोड़ी धूप में रखें, परंतु यदि बहुत तेज़ ठंड है दोस्तों तब तो आप इसके ऊपर रात के समय कोई भी पतला कपड़ा ढांक दें, जैसे कि हमारे दुपट्टे का, कोई पतली सी साड़ी, कोई मोटा कॉटन का कपड़ा जैसा होता है वो थोड़ा सा कवर कर दें, खासकर जब विंटर सीज़न हो, बहुत तेज़ कोहरा ओस गिर रहा हो तब, क्योंकि तुलसी का पौधा ठंड में थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। और कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 दिन में ही आप पानी डालें। ज़्यादा पानी डालने से भी तुलसी की जो जड़ें हैं वह सड़ने लगती हैं। और समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें ताकि सभी तरह के पोषक तत्व मिल सकें। और साथ ही साथ दोस्तों आप कोई भी खाद ज़रूर डालें, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, मस्टर्ड केक, कोई भी खाद डालें जो भी आपके पास है। और गुड़ाई करने से क्या होता है दोस्तों, जड़ में अच्छी हवा जाती है, और हवा जाने से दोस्तों क्या होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं मैंने अपनी छोटी सी बगिया तैयार की है जिसमें तुलसी का पौधा लगाया है, दोनों ही तरह की लगाई है, राम तुलसी और श्याम तुलसी। साथ ही दोस्तों मैंने ये जो साइड में गमला है उसमें बेसिल लगाया है, जिसे कि स्वीट बेसिल भी कहते हैं। तुलसी का ही एक प्रकार होता है दोस्तों, स्वीट बेसिल। इसके अलावा एक तुलसी और होती है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं वन तुलसी या फिर जंगली तुलसी। वन तुलसी का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, जिसे जंगली तुलसी भी कहा जाता है। बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो ये छोटी सी बगिया है जिसमें मैंने तुलसी लगाई है, बेसिल लगाया है, पान की बेल लगाई है, मीठे नीम का पौधा लगाया है, सभी घर की ज़रूरत की जो हमारी सब्जियां होती हैं वो भी लगाई है। और ये जो हर्ब्स हैं ये बहुत ही हमारे काम के हैं दोस्तों, खासकर तुलसी का काढ़ा बनाकर आप पी लें, जिद्दी से जिद्दी बुखार भी उतर जाता है तुलसी का काढ़ा पीने से। छाती में जमा हुआ बलगम बाहर निकालती हैं तुलसी की पत्तियां, तुलसी का रस। साथ ही यदि चेहरे पर फोड़े फुंसियां हो जाते हैं तो तुलसी की कुछ पत्तियों को मसल कर उसका रस आप फोड़े फुंसी पर लगा लें, बिल्कुल ही दाग खत्म हो जाता है। तो बड़े आसानी से लगने वाला पौधा है, और बहुत आसानी से ये लग जाता है, साथ ही साथ सर्वाइव भी कर जाता है। सिर्फ विंटर सीजन में थोड़ी केयर कर लें। और तुलसी का पौधा दोस्तों आप अपने घर में आंगन में लगाएं, आप देखेंगे घर पर ऐसा कहा जाता है धन की वर्षा होती है। तो इस शुभ पौधे को, इस मेडिसिनल प्लांट को, इस हर्बल प्लांट को आप अपने घर पर ज़रूर लगाएं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल शिखाज इजी टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें।